हेलो बच्चों, किवें तुसी सारे ठीक हो ना? अच्छा थानू पता अज मैं थानू मिलन क्यों आई हाँ? तुसी कहोगे ऑब्वियसली पढ़ाना होगा। नहीं, अज मैं ना मैथ पढ़ाना, अज ना मैं इंग्लिश पढ़ानी हाँ, अज ना मैं थानू गार्डनिंग सिखानी हाँ, ना अज मैं थानू पोइट्री सिखानी हाँ। मैं स्कूल बोलदा, लिंक इज बिलो इन द डिस्क्रिप्शन, वो तुसी उत्थों सुन लिया जी। ना मैं थानू पोइट्री सिखानी है, ठीक है? ना थानू गार्डनिंग सिखानी है, ना थानू पढ़ाना। तो फिर मैं आज करना की है? एक्चुअली थानू पता है ना, कल मदर्स डे सीगा। तो कल मदर्स डे ते जदों तुसी सारे बच्चे अपनिया मम्मीज दे लई कोई ना कोई कार्ड्स बना रहे सी, थानू सर ड्राइंग सिखा रहे सी, उहदा लिंक भी डिस्क्रिप्शन दे विच हैगा। जदों थानू सर फिर ड्राइंग सिखा रहे सी, तो उदों मैं की कर रही सी? मैं सोच रही सी कि मेरे बच्चे मैं हमेशा कहती रहनी हाँ कि वी लव आवर किड्स, वी जस्ट नॉट से दैट, लेकिन एक्चुअली ये चीज़ है कि साढ़े बच्चे जड़े ने ना असं उन्होंने प्यार करते हैं। तो मैं कल की किया, कल मैं अपने टॉडलर्स दे लई ना एक बाइंडर बनाया। दिस इज अ टॉडलर्स बाइंडिंग, नज़र आ रहा है? एक्चुअली उल्टा नज़र आ रहा होगा, मैं थानू क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा तो बना रही है ना, तो आई विल शो यू अगेन। तो मैं ये टॉडलर्स बाइंडर बनाया। तो ये टॉडलर्स बाइंडिंग है की चीज़ है? दरअसल मैं की महसूस कर रही सी कुछ कुछ दिन अच्छे जो तो असी ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट की आ कि जो बहुत छोटे बच्चे आ ना साढ़े, लाइक प्ले वे वाले आ, नर्सरी किड्स आ, केजी किड्स आ, उन्होंने पेरेंट्स उन्होंने ना लिखवाए जा रहे हैं, लाइक और लिखवाण नू ही सारा वर्क समझते हैं। बट आई डोंट थिंक सो, मैनू ये नहीं लगता। मैनू ये लगता कि जेडे टॉडलर्स आ ना, जेडे इनफेंट छोटे बच्चे हैगे आ, उन्हां नू पहला रेकग्निशन होनी चाहिए है ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है ना मेरी गल? ऑब्जेक्ट्स की रेकग्निशन होनी चाहिए है, ईवन के जेडे अपने डिजिट्स हैगियां ने, मतलब नंबरस हैगे है, नंबरस की रेकग्निशन होनी चाहिए है, लैटर्स की रेकग्निशन होनी चाहिए है, मतलब उन्हां दी रीडिंग, उन्हां दी लिसनिंग, उन्हां दी रीडिंग, उन्हां दी अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू डिवेलप। लेकिन इस लॉकडाउन दे विच पेरेंट सिर्फ मतलब राइटिंग नू वर्क समझ रहे हैं, बट आई डोंट फेवर दैट। दैट्स वाई मैंने कल एक टॉडलर्स बाइंडर बनाया है। तो उहदे विच की आ, उह सारे बना सकते ने। मेरी इस गलबात तो बाद उहदी सारी प्रोसेस जिहड़ी है मैं इहदे विच ही ऐड कीती हुई है वीडियो दे विच, डोंट वरी, तुसीं उहनूं देख के बनाउणा। लेकिन है कि तो मैं जो थोड़ा कहा कि मैं महसूस किया कि बच्चों को रेगनीशन होनी चाहिए है, तो ये जी बाइंडर मैं बनाया है सिर्फ टॉडलर्स लई है। लेकिन मैं ये भी नाल दी नाल अज महसूस कर रही सी कि ये चीज़ जी है ना प्राइमरी क्लासेस सारिया ही बना सकती ने, सारे टीचर्स बना सकते हैं। मेरे सारे टीचर सुनते हो, नेहा मैम, संदीप मैम, प्रिया मैम, परमिंदर मैम, एवरीबडी, मोनिका मैम, यू आर आर लिसनिंग। एक्चुअल तौर पर सारे बना सकते ने। ये की आ, ये बच्चे असी क्रिएटिव बनाना व्डियां, तो छोटिया लई मम्मी पापा बना सकते ने, वे भैन भरा बना सकते ने। फॉर एग्जाम्पल इतने मैं लिखा हुआ हैप्पी मदर्स डे, रीजन ये हैगा क्योंकि मैं कल बना रही सी, तो मैं सोचा कि तुसी सारे मेरे बच्चे हो, तो दैट्स वाई इट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम मी टू ऑल ऑफ यू, फॉर ऑल ऑफ यू एक्चुअली। तो फिर ये मेरे स्कूल का नाम है देव समाज स्मार्ट स्कूल मोगा, एंड यू नो दैट आवर चैनल इज वेयर यू फाइंड ऑल द वीडियोज ऑल्सो। तो ये की आ, मैं ये डिफरेंट तरह दीज़ा लाइया ने। आ देखो आ जरा लिखा हुआ, ओके। तो हम मैं फ्रंट कैमरा ना रियर कैमरा चेंज कर लिया थानू दिखाने लिये, थानू पता लग सके। तो मैं थानू दस रही सी, सब तो पहला तो देखो दिस इज हैप्पी मदर्स डे, एंड दैन आवर स्कूल्स नेम, एंड दिस इज टॉडलर्स बाइंडिंग, एंड दिस इज माई नेम रेनू। मैं थानू इतने भी कहना कि हुण वाले बच्चे तो शायद मैं रेनू मैम कहते हैं, लेकिन मेरे पुराने सारे स्टूडेंट्स ही मैं कहते हैं रेनू दीदी, राइट? तो मैं उन्होंने सारे बच्चों का भी थैंक्स करना चाहती हाँ जिन्होंने जोड़ा पुराना एक ग्रुप मैं बनाया से पुराने स्टूडेंट्स का, उन्होंने ज्वाइन किया, इंटरैक्ट किया मेरे नाल, मैंने आपके पिक्स भेज के दसिया है कि वह की कर रहे हैं। मैं वो भी थोड़े शेयर करूँगी आने वाले टाइम के। नाउ वी कम टू द बाइंडर। तो मैं कह रही थी कि ये मैं डिफरेंट तरह दिया पिक्स, सब तो पहला आप स्टार्ट कर दिया।
कि बच्चे नूं असीं सिखाउणा है उड़ा एड़ा इड़ी सस्सा हा हा। यह मैं हाथ नाल ही लिखिया क्योंकि मेरे को अवेलेबल नहीं सीगा चार्ट्स वगैरह इहदे। फिर इहदे विच हैगा कलर्स नेम सीगे, कलर्स नेम भी मेरे को क्योंकि कलर्स वैसे पेपर्स नहीं सी हैगे कलर्ड, तां मैंने कलर्स जिहड़े हैगे ने ओह राउंड बना के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दस्से से आपां की कर सकते हां। जिवें मेरे को आह थोड़े सारिआं दे कोले बॉटल्स दे ढक्कन वगैरह होंदे ने, बच्चे नूं आपां किवें सिखा सकते हां। आई विल आस्क सपोज मयंक, मयंक नर्सरी च हैगा एक्चुअली प्ले वे च, मैं पुछदी हां मयंक नूं सिखा दिंदी हां कि रैड, बाद चलो कहनी हां मयंक वेयर इज रैड, तां मयंक कैन प्लेस दिस अपॉन दिस। ओके राइट, तां इस तरीके दे नाल आपां इहनूं यूज कर सकते हां। उस तो बाद हैगा मैंने एबीसी लिखी हैगी है, कैपिटल एबीसी स्मॉल एबीसी, तुसी चाहो तां तुसी डिफरेंट भी लिख सकते हो दो शीट्स ते। मेरे कोले मटीरियल ही इन्ना सी एक्चुअली बनाने लई, मटीरियल होर है नहीं सी, अदरवाइज मैं बहुत कुछ बनाना सी इहदे विच, तां कैपिटल एबीसी ते नीचे स्मॉल एबीसी भी लिखी आ। फिर उहदे विच हिंदी वर्णमाला दा लिखिया, हिंदी वर्णमाला दा उपर तां मैं पिक्चर्स प्लेस कीतियां ने, लेकिन नीचे जिहड़ा मैं लिखिया हथ नाल छोटा बड़ा जिन्ना भी उहनां नूं जरूरी हुंदा। ठीक, उस तो बाद छोटे बच्चों लई तां 1 to 10 इज इनफ, लेकिन थोड़ा होर वड्डे आ असीं थोड़ा ज्यादा लिख सकते हैं, शीट्स एक्सट्रा ऐड कर सकते हैं। फिर बर्ड्स नेम हैगे है उस तरीके दे नाल ही, पहला आपां उहनां नूं सिखावांगे फिर आपां कहांगे प्लेस कर दो, तुसीं समझ सकते हो मेरी गल नूं। बर्ड्स नेम हैगे है, पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैगे है इहदे विच, वैजीटेबल्स नेम है, ठीक है। फिर शेप्स हैगियां ने, डिफरेंट तरह दीआं शेप्स लगाईआं ने। ओके, इस तों इलावा फ्रंट ते होर भी है, फ्रूट नेम हैगे ने। ठीक, फिर यंग एनिमल्स दे बेबीज दे नाम हैगे ने, बर्ड्स दे नाम हैगे आ, फ्लावर चार्ट है इहदे विच। ठीक, तां मीन्स देयर आर सो मैनी थिंग्स, मैं हुण इत्थे ऐड ऑन करना चाहूंगी कि वड्डे बच्चे की कर सकते ने। हुण इहदे विच तुहानू की है कि इहदे विच हमेशा तुसीं इहनू कैरी कर सकते हो, हमेशा तुसीं बच्चे नूं फड़ाओगे, किन्ना क्रिएटिव है ना, तुसीं खुद बनाओगे। मेरे कोले तां आह मान लो की कहिंदे हुंदे ने फाइल कवर सी, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੰਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਨੇ, ਮੰਮੀਸ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਲੈ ਕੇ, ਧਾਗਾ ਮਤਲਬ ਵੂਲ ਲੈ ਕੇ ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਿਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਟਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਬੀਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਕ ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਨੇਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੰਥਸ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਦੇਅਰ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਬਾਈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਪੁੱਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਸ਼ੋਪਸ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਚੀਪ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਟੋਡਲਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਕੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰੇਨੂ ਗੁੰਬਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਦੈਟ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹ ਬਾਈਂਡਰ ਬਣਾਓ, ਉਸ ਬਾਈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਲੁੱਕ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਲੋ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਵਾ ਸਕੋ। ਫਲਾਵਰਸ ਨੇਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਵਿਲ ਸੇ ਹੈਲੋ ਵਰੁਣ, ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਰੋਜ਼, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਕਸ਼, ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾ ਹਾ ਬੋਲਣਾ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲਣਾ, ਹੈਗਾ ਨਾ। ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾ ਹਾ ਬੋਲਣਾ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਆ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਕਮ ਲਿਟਲ ਚਿਲਡਰਨ ਕਮ ਟੂ ਮੀ ਆਈ ਵਿਲ ਟੀਚ ਯੂ ਏ ਬੀ ਸੀ। ਓਕੇ, ਆ ਸੇ ਅਨਾਰ, ਆ ਸੇ ਆਮ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੰਜ ਛੇ ਸੱਤ ਅੱਠ ਨੌ ਦਸ, ਔਰ ਬਸ ਦਸ ਕੇ ਆਗੇ ਬਸ। ਪਕਸ਼ੀਓ ਕੇ ਨੇਮ ਹੈ, ਬਰਡਸ ਨੇਮ,
ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਚਹਿਚਹਾਟ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਹੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾ ਇੱਕ ਵੇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਵੇਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਝੁਮਕਾ ਵੇਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਝੁਮਕਾ ਵੇਲ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਰਡਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਆਈਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਸਪੈਕਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੀ। ਓਕੇ, ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਅਤੇ ਆ ਮੇਰੀ ਸਪੈਕਸ, ਲੇਕਿਨ ਸਪੈਕਸ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਖਾਣਾ? ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਫੂਡ ਖਾਣਾ, ਕਿਹੜਾ? ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕੈਰਟਸ ਖਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵਿਟਮਿਨ ਏ ਲੈਣਾ, ਰਾਈਟ? ਓਕੇ ਬੱਚਿਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਦਰਸ ਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਦਰਸ ਡੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣੀਆਂ, ਤਿੱਗਣੀਆਂ, ਚੌਗਣੀਆਂ ਅਤੇ 100 ਗੁਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੰਡਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਉਹ ਸੱਚ, ਰੁਕੋ ਰੁਕੋ ਰੁਕੋ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹਜੇ। ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੇਨੂ ਦੀਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੜੀਆਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਮੈਸੇਜਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਸੇਂਜਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਓਵਰਵੈਮ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਆਪਣਾ, ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਵ ਸਮਾਲ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੇਵਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਬਟ ਸ਼ੀ ਸੈਡ, ਦੀਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਹਾਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਬਾਏ, ਸੀ ਯੂ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਲਾਡੋ, ਉਂਗਲੀ ਪਕੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸੇ ਸਿਖਾ ਦੇ, ਗੋਦੀ ਉਠਾ ਲੈ ਨਾ ਮਾਂ, ਆ ਚਲ ਸੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਪੋਛ ਦੇ, ਮੈਂ ਲਾਸਾ ਲਾਗੇ ਜਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਕਿਡਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਟੋਡਲਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁੱਕਲੈਟ ਟਾਈਪ ਟੋਡਲਰਸ ਗੈਜਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਘਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੈਜਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਈਲ ਕਵਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਕਵਰ ਲਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਨ ਚਾਰਟ ਪੇਪਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਰਟ ਪੇਪਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਫਰੂਟਸ, ਐਨੀਮਲਸ ਨੇਮ ਐਂਡ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੀਜ਼ਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ, ਚਿਪਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਫੇਵੀਕੋਲ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਫ ਤੁਸੀਂ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਰਡ ਟੇਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਲੇਵੇ ਵਾਲੇ ਨਰਸਰੀ KG ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਦੇਵ ਸਮਾਜ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਮੋਗਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਆਵਰ ਚੈਨਲ। ਹੈਲੋ ਬੱਚਿਓ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਟ ਪੇਪਰਸ ਲਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਟ ਪੇਪਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ
फोर पीसिस दे विच इक्वल दे विच कट कर लवांगे राइट। तुसी सीजर दी हेल्प ले सकते हो, समटाइम्स की हुंदा आपां स्केल दे नाल भी कट कर सकते हैं, लेकिन जदों भी तुसी इनू कट करना ना बब्बू, तो अपने मामा दी या वड्डे दी या किसी दी भी हेल्प लैनी आ। जे वड्डे ब्रदर सिस्टर बना रहे हैं तो मामा दी, ते जे मम्मी बना रही हैं तो फिर तो कोई इशूज ही नहीं है गे। तो देखो इनू मैं फिर चार पार्ट्स दे विच फोल्ड कर लिया है, तो इनू मैं हुण कट रही हाँ। हाँ देखो सीजर दी हेल्प की है, जो भी कट्टे चाहे वड्डा कोई कट रहा है चाहे छोटा कोई कट रहा है, लेकिन तुसी ध्यान ही रखना है कि तुसी चार्ट पेपर कटना है, ऐसी फिंगर कट लैनी। नाउ लुक कितना सोहना, देखो यह कटिया गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा अनईवन है ना, देखो साइड तो अनईवन है। इनू आप अनईवन सही करने लिए या टेप हैगी अपने को, कलर टेप आप कलर टेप न चारी तरफ जड़ा इनू चिपका देंगे, जिदे नाल की होगा नाले दी अनईवननेस जी खत्म हो जूगी। तो मेरे को जड़ा एक की कहते होंगे फाइल कवर आ, मेरे को यही पिया सॉरी हाँ फाइल कवर के आप शीट्स लाना है ना, ये जो शीट्स है जी मैं कट्टिया ने शीट्स जीडिया मैं कट्टियां या देखो स्ट्राइप साइड तो कट्टियां। रीज़न ये सीगा मेरी फाइल कवर नालों थोड़ा साइज़ बड़ा सीगा शीट्स का, ठीक है। तो हूँ मैं की कर दिया इन्दे चारों तरफ जड़ा एक टेपिंग कर दूंगी, ये जी पेपर टेप अपने कोले हैगी है कलर टेप। लगता है सोहना लगन लग जूगा, लेकिन तुम उत्ते की कर सकते हो, मैं ये जो डिफरेंट डिफरेंट चार्ट से उन्होंने कट के लाना, लेकिन चार्ट से अलावा थोड़े को अपने हाथ नाल भी स्कैच नाल लिख सकते हो, बच्चों लिए काउंटिंग लिख सकते हो, अल्फाबेट लिख सकते हो, ठीक है, स्मॉल ए बी सी कैपिटल एफ ए बी सी, यू हैव सो मैनी थिंग्स टू डू फॉर द किड्स राइट। तो देखो फिर मैं ये जी टेप सीखी इन चार साइड्स से सोहनी तरह चिपा ली है, नाउ इट इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल लग रहा ना सोहना, यह मैं लगता है थानू सोहना लग रहा होगा, प्रॉपर वे ना चिपका लैनी है थानू चंगा लगेगा। देखो लॉकडाउन दे विच टाइम तेरे को बहुत है, हौली हौली करके तुसी ये टॉटलर्स जिहड़ा गैजेट है बना सकते हो। तो हुण देखो ये मैं डिफरेंट तरह के जिहड़े हुण जिहड़ा मेरा चार्ट सी, मैं फर्स्ट चार्ट कटना शुरू किया है, फर्स्ट चार्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी का सीगा, उतो हैडिंग उहदा अलग कट लिया, तो जिहड़े बाकी पार्ट सीगे यार आई माउथ हैड वो अलग कट ले। हुण मेरे को फेविकोल सीगा तो फेविकोल की हैल्प दे नाल मैं इनू चिपका रही हाँ, लेकिन तुसी ध्यान रखना तुसी कोले क्लोथ जरूर रखिया जे कोई छोटा, क्योंकि क्लोथ दे नाल की है थोड़े हत्थां चिपक जूगा ना, तो फिर उन्हें तुसी साफ कर सकते हो, अदरवाइज इधर उधर चल लग जूगा। तो तुहानू पता है ना फेविकोल का मजबूत जोड़ा है टूटेगा नहीं। तो लुक हेयर मैंने चिपका दिते है सारे, हाँ कितना सोहना लग रहा। तो इस तरीके नाल ही आपां बाकी सारियां शीट्स भी हुण तैयार कर लैने आ, तो फिर मैं तुहानू दिखाउंदी।